इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो आज एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ अपने स्टूडियो में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। वो खबर आ रही है वर्ल्ड कप की। जी हां, वर्ल्ड कप 2019 में मोहम्मद शमी ने जो है एक बार फिर कमाल कर दिया है। जी हां, मोहम्मद शमी ने जो है वो हैट्रिक ले डाली है। हैट्रिक भी उन ऐसे पलों में ली है जब भारत जो है वो किसी वक्त भी हार सकता था, भारत जो है वो हार के करीब था। मोहम्मद नबी बहुत अच्छा खेल रहे थे अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन मोहम्मद शमी ने आते ही अपने 10वें ओवर में जो है वो भारतीय टीम को एक बड़ी जीत दिलाई, एक ऐसी जीत दिलाई जो कि बहुत ही मुश्किल से भारत को प्राप्त हुई है। भारत जो है इस वर्ल्ड कप में जो है अभी तक अनबीटन है। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान को जो है भारत समझ रहा था कि वो एक हल्की टीम है और बहुत अच्छे से उसको हरा देगा और एक बड़ा टोटल में रहेगा, लेकिन अफगानिस्तान की जो टीम थी उसकी इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग थी, उसने 34 ओवर जो है वो स्पिन बॉल कराया, जिसमें हम बात करें राशिद खान की, नबी की, हशमत की, इन तीनों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और भारत को सिर्फ 224 के टोटल पे रोक लिया। जी हाँ, भारत सिर्फ 224 रन बना पाया। ये कोई नहीं समझ रहा था कि भारत सिर्फ 224 रन ही बना पाएगा। ऐसी हम सबको उम्मीदें थी कि भारत जो है वो कम से कम जो है वो 400 का या 350 का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर अफगानिस्तान को देगा। और उसके बाद जब भारतीय टीम खेलने आई तो जब अफगानिस्तान की टीम खेलने आई तो इतना अच्छा उसका विकेट नहीं रहा, वो काफ़ी उसके विकेट गिरते रहे, लेकिन जैसे तैसे अफगानिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी थे वो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनाते गए और स्कोर के जो लक्ष्य भारत ने दिया था उस लक्ष्य के करीब आते रहे। इस बीच बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मैच जो था वो एंड के ओवर में आके अटक गया था। हालांकि 16 रन सिर्फ छोड़े थे बुमराह ने शमी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन मोहम्मद नबी इतनी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने शमी का जो 10वां ओवर था भारतीय अफगानिस्तानी टीम का जो 50वां ओवर था उसमें पहली गेंद पे चौका मारा, जिससे स्कोर जो था वो हो गया 12 रन चाहिए थे 5 गेंदों पे। और मोहम्मद नबी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो छक्का ना मार सकें या वो मैच में नहीं ला सकें। पहले चौके के बाद जो है धोनी जो है वो शमी के पास आए, शमी को समझाया। ऐसा काफ़ी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ फेसबुक पे भी, ट्विटर पे, कि आखिर धोनी ने ऐसा क्या कहा, क्या धोनी ने शमी से ऐसा कहा जो शमी ने उसके बाद जो है अपनी गेंद से आग डाली, ये 3 विकेट जो थे वो ले लिए, हैट्रिक डाल दी। शमी ने बताया कि धोनी ने उनसे कहा था कि बॉलों को जो है वो यॉर्कर लाइन पर रखे, वो शमी ने यही करा, बॉलिंग को जो है बिल्कुल यॉर्कर रखा और नबी को आउट किया। अगली गेंद पे उन्होंने 2 और विकेट जो थे वो लिए, आफ्ताब और मुजीब का विकेट लिया, और इसके साथ ही जो है भारत को जो है वो वर्ल्ड कप में एक और जीत दिलाई। भारत जो है वो अनबीटन है, अभी एक भी मैच वो नहीं आ रहा है। शमी से पहले 1987 में चेतन शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं जिन्होंने हैट्रिक ली थी। शमी जो है वो अब दूसरे ऐसे गेंदबाज भारत के बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिए द इंडिया इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से शमी को जो है इस जो उन्होंने हासिल की है कामयाबी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।